हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में, जिसका कि टॉपिक होने वाला है गन को पकड़ के रनिंग सिस्टम। उसी के साथ हम लोग एमिंग सिस्टम भी बनाएंगे एंड एम करते हुए वॉकिंग सिस्टम भी हम लोग बनाने वाले हैं। और उसी के साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम लोग किस टाइप की वीडियोस डालते हैं, तो हम लोग वीडियोस डालते हैं गेम डेवलपमेंट के ऊपर, जहाँ पे कि हम लोग बनाते हैं गेम्स विदाउट कोडिंग। और अभी जो है हमारी जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, 2 मंथ्स हो चुके हैं और अभी तक हम लोग काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा तरक्की हम लोग इस चीज़ में कर चुके हैं। काफ़ी मतलब अच्छा सा हमने अभी तक इसे बना लिया है और ये सब हमने किया विदाउट कोडिंग। और जितने भी आपको ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे सारे होंगे हिंदी में। और इसी के पैरेलल में हमारी एक और सीरीज चल रही है जिसका कि नाम है जोम्बी सर्वाइवल शूटर गेम। तो अगर आप चाहें तो आप उसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो। उसमें भी मैंने दो या दो से तीन वीडियोस डाल दी है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसी के साथ मेरा एक सब्सक्राइबर है गेमिंग विद अंकुल, उसको इस वीडियो में मैं शाउट आउट देना चाहूंगा, तो शाउट आउट टू गेमिंग विद अंकुल। तो यार इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि एमिंग मैकेनिक्स। तो बिना किसी देरी के चलते वीडियो की तरफ और मैं मिलता हूँ आपसे इंट्रो के उस तरफ। तो यार लास्ट वाली वीडियो में हमने लोगों ने क्या सीखा था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट की जो कुछ वीडियोस हमारी आ रही हैं उनमें मैंने क्या सीखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आप देख सकते हैं ये रोटेट करेगा माउस से, इसी के साथ जब मैं W दबाऊंगा ये वॉक करेगा। ये जो है अपना बंदा एक ही जगह पे जंप भी करेगा, उसी के साथ रन करते हुए जंप भी करेगा एंड जब मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये गन निकाल लेगा कुछ इस तरीके से। एंड जब मैं मूव करूंगा तो ये गन पकड़ के ही मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो ये लग रहा है इस समय, तो बढ़िया लग रहा है एकदम, देख सकते हैं आप लोग। एंड जब मैं अगेन 1 प्रेस करूंगा ये गन रख देगा एंड उसके बाद दोबारा से अपना जो भी है इसका सारे ये मूवमेंट्स दोबारा करने लग जाएगा। तो फिर लास्ट वाली वीडियो में हमने यहीं तक सीखा था, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो जो भी हम सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ जस्ट अभी। तो आप लोगों ने करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर आप लोग mixmed.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक खुद एनिमेटर हैं या फिर अगर आप एनिमेशन बनाते हैं तो आप खुद भी एनिमेशन जो है बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो है एक रन एनिमेशन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो हम लोग नॉर्मल रन को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो Ctrl+Ctrl+V यहाँ पर हमारा आ चुका है। जस्ट मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा एंड इसको जस्ट यहाँ पे रख देता हूँ। इसका जो नाम है वो मैं दे देता हूँ राइफल, सॉरी आर रन। तो ये मैंने इसका नाम दे दिया है। इसी के साथ इसको सबसे पहले यहाँ से इधर जोड़ देते हैं, यहाँ से इधर जोड़ देते हैं एंड विद दैट राइफल वॉक से राइफल रन एंड मेक ट्रांजिशन टू राइफल वॉक। इसी के साथ अब हम लोग एक पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं जो कि होगा बूल, या फिर हम लोग शायद इसी को यूज़ करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर ये जो अपना पैरामीटर है रन, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे, हैश एग्जिट टाइम को हम लोग ऑफ कर देंगे यहाँ से। ये जो एम्प्टी लिस्ट है यहाँ पर जो है हम लोगों ने मैक की जगह सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर रन जो है ये ट्रू है यहाँ पे हैज अ गुड टाइम ऑफ, एंड जो रन है अपना अगर ये फॉल्स है तो। और इसके बाद जो ये अपना राइफल वॉक से जो रन की तरफ जा रहा है इसमें हम लोगों ने हैज अ गुड टाइम को ऑफ कर लेना है। यहाँ से मैग इज ग्रेटर देन 0.1 एंड जो अपना रन है जब ये होगा ट्रू, और राइफल रन से इधर की तरफ हम तभी आएंगे जब अपना मैग जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0.1 ऑफ कोर्स, एंड जब रन होगा फॉल्स तभी जो है हम लोग इस वाली कंडीशन में आएंगे। नाउ अब हम लोगों ने चले जाना है अपने प्लेयर पे एंड यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोलर जो हमने बनाया था उस पर हम लोगों ने चले जाना है।
यहाँ पर जो है अपना ये आपको दिख रहा होगा, अपना ये बनाया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या करना है, जस्ट इसे बंद कर देंगे यहाँ से इस समय। राइट नाउ यहाँ से इनको जस्ट ड्रॉप डाउन से ऑफ कर देंगे। यहाँ पे एक्शन ब्राउजर में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट बटन डाउन अनपैक प्रीफैब, और यहाँ फायर वन की जगह जो है हम लोग फायर थ्री यहाँ पे लिख देंगे। फायर थ्री यानी कि शिफ्ट एंड सेंड इवेंट न्यू इवेंट आर रन। एंड यहाँ पर एक न्यू स्टेट हम लोग बनाने वाले हैं जिसका कि नाम होगा आर रन। एंड यहाँ पर से जो है राइट क्लिक करके ऐड ट्रांजिशन यहाँ पर ही आ जाएगा, और इसे यहाँ से अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जब हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट एनिमेटर बूल, एंड जो पैरामीटर होगा वो अपना होगा रन जो हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है, तो पैरामीटर यही होगा। वैल्यू हमारी चेक होगी। उसी के साथ अब हम लोग यहाँ पर दोबारा से डबल क्लिक करेंगे एंड इस बार हम लोग लिखेंगे गेट बटन अप, एंड जस्ट यहाँ पर दोबारा से फायर थ्री एंड सेंड इवेंट टू आइडल, जस्ट एड ट्रांजिशन आइडल, और दोबारा से इधर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट स्मूथ लुक एट डायरेक्शन एंड गेट एक्सिस वेक्टर को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ से आप लोग इसे अनचेक कर देंगे। अब हम लोग जो है एक बार ट्राई करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइस WASD से ये लोग ये चल रहा है। वन मैंने दबाया, इसने गन निकाली, एंड जब मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ ये भाग रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से भाग रहा है ये। एंड जब मैं शिफ्ट रिलीज कर रहा हूँ ये रुक जा रहा है, और बाकी ये सब कुछ जो है कर रहा है। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारी एनिमेशन है वो है एमिंग एनिमेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जाना है अपने एनिमेशन वाले में जो अपना फोल्डर है, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है राइफल एनिमेशन, और आई गेस ये ही है, या फिर आई गेस ये है। और गाइज याद रखिएगा जितने भी एनिमेशन जो है हमारी उन सबको आप लोगों ने ह्यूमनॉइड पे सेट कर लेना है, लाइक मैंने यहाँ पे जो कर रखा है। एंड यहाँ पर जो अपने यहाँ पे अपने जितने भी ग्रीन है इनको अपने चेक कर लेना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऑफसेट जो है यहाँ पर रूट ट्रांसफॉर्म रोटेशन ये जीरो रहेगा, लेकिन आप लोगों ने ये यहाँ पे जीरो रहेगा तो ये कुछ इस तरीके से खड़ा हो रखा होगा यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने इसे कर देना है 49.7 एंड जो कि होगा माइनस साइन। तो जब ये सीधा स्टैंड हो जाएगा, तो इसी के साथ अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरीके से। जस्ट इसका नाम यहाँ पे हम लोग दे देंगे एम, एंड इसको थोड़ा साइड करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, एंड यहाँ से जो है अपना मेक ट्रांजिशन टू आइडल। फिलहाल हम लोग अभी आइडल प्ले करते हैं, एंड यहाँ पर एक न्यू पैरामीटर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं जिसका कि नाम होगा एम, और हैज एग्जिट टाइम इसका तो ऑफ रहेगा। एंड जब जो है हमारा एम ट्रू होगा, यहाँ पर हैज एग्जिट टाइम ऑफ जब एम फॉल्स होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं। तब दोबारा से हमने प्लेयर पे चले जाना है, एडिट पे हम लोगों ने जाना है। यहाँ पर जो हमारा इक्विप वाला था यहाँ से इनको दोबारा से बटन मतलब बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हम लोग गेट माउस बटन डाउन एंड माउस बटन विल बी राइट एंड सेंड इवेंट न्यू इवेंट जिसका कि नाम होगा एम, एंड जस्ट राइट क्लिक करेंगे, एम को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे एक न्यू स्टेट बनाएंगे जिसका कि नाम हम एम डाल देंगे ताकि थोड़ा सही रहे, और यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो जब हम लोग आ जाएँ तो हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहाँ डबल क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है सेट एनिमेटर बूल, और पैरामीटर का नेम वही देना है जो अभी हमने यहाँ पर एम का यहाँ पर नाम दिया था, और जस्ट इसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे एंड वैल्यू को यहाँ पे चेक कर देना है। इसी के साथ यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने गेट माउस बटन अप, जब अपना माउस बटन राइट माउस बटन अप जाएगा तो हमने एक न्यू इवेंट सेंड करना है, या फिर हम लोग जस्ट आइडल पे ही कर सकते हैं गैस, एंड एड ट्रांजिशन आइडल
इधर पे हम लोग आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो जब हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो एक और चीज़ हम लोगों ने करनी है, दोबारा से इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इन दोनों को, गेट एक्सिस वेक्टर और स्मूथ के डायरेक्शन, इनको यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, इधर पे आएंगे एंड यहाँ पे इसे पेस्ट करके इसे ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो गाइज अपना बंदा वॉक कर रहा है, जब मैंने वन प्रेस किया इसने गन निकाली, जब मैंने राइट क्लिक प्रेस किया तो इसने गन जो है अपने हाथ में रख लिया, देख सकते हैं आप। और जब मैंने राइट क्लिक रिलीज किया तो इसने गन वापस इधर ला लिया, तो देख सकते हैं आप लोग। एंड अभी हम लोगों ने वॉक सिस्टम नहीं बनाया तो अभी वो वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अभी ये जो है ये हमारा बंदा नहीं देख रहा है। तो आई गेस हम लोगों को यहाँ से स्मूथ लुक है डायरेक्शन और वो हटा देना चाहिए गेट एक्सिस वेक्टर, आई गेस देखना पड़ेगा गाइस। तो गाइस हम लोग इसे यहीं पे रहने देंगे राइट नाउ, अभी हम लोग इसको नहीं छेड़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो है अपना वो है आई गेस वॉकिंग, एम करते हुए वॉकिंग। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं गाइस, जैसे अपना GTA गेम्स में होता ही है कि जब जो है हमारा वो जब हम लोग एम करते हैं तो हमारा ये जो कैमरा होता है ना ये इधर थोड़ा सा आगे पे आता है, तो इस तरीके से मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो वो भी अभी हम लोग करके देखते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने जो है अपने कैमरा को उस पोजीशन पे लेके आना है जहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि जब हम एम करें तो वहाँ पर हमारा जो ये है वो दिखे, समझ रहे होंगे आप लोग। जब हम लोग एम करें तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने राइट क्लिक दबाया, तो जब हम राइट क्लिक दबाएं तो हमारा कैमरा कहाँ पे जूम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग इसे सेट करेंगे। तो वो मैं सेट करके एक बार देख लेता हूँ, जस्ट इसे थोड़ा सा ऊपर एंड जस्ट इधर पे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसे न्यू कॉम्प क्रिएट एम्प्टी, जिसका कि नाम मैं डेस्टिनेशन दे देता हूँ यहाँ पे। एंड अपना जो बाहर हम डेस्टिनेशन को बाहर ले आएंगे मेन कैमरा से, एंड मेन कैमरा को उसी पोजीशन पे दोबारा से हम लोग लेके आ जाएंगे जिस पोजीशन पे ये पहले था। ये जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था। तो गाइस जब हम लोग इतना कर ले तो हम लोगों ने दोबारा से हमने प्लेयर पे चले जाना है और एडिट पे हम लोगों ने चले जाना है। यहाँ पर जो हमने एम का अपना FSM बनाया था, जस्ट इनको पहले बंद कर देंगे यहाँ से, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर देता है मुझे। उसी के साथ यहाँ पर डबल क्लिक करके हम लोग डालेंगे मूव टूवर्ड्स एंड यहाँ पर जो आ जाएगा जस्ट यहाँ पर स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो अपना मेन कैमरा को डालेंगे, टारगेट ऑब्जेक्ट जो है वो अपना डेस्टिनेशन होगा, इसी के साथ इसको हम लोग यहाँ से जीरो कर देंगे। अब हम इसे एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो शायद अभी हमको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, जैसे हमने वन दबाया अपने बंदे के हाथ में गन आ चुकी है, जब मैं राइट क्लिक दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये अपना आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब मैं दोबारा करूंगा तो ये वापस नहीं आ रहा है। तो मुझे पता था ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको भी फिक्स करते हैं हम लोग जल्दी से। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने दोबारा से अपने मेन कैमरा पे जाना है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट एम्प्टी करना है, इसको हम लोगों ने कैम बेस के अंदर पुट करना है एंड इसका जो नाम है हम लोग नॉर्मल पोजीशन दे देते हैं। तो और अब हम लोगों ने दोबारा से जाना है अपने कैम बेस के अंदर, सॉरी हम लोगों ने प्लेयर में जाना है, यहाँ पे हम लोगों ने एडिट में जाना है और यहाँ पे जो अपना ये है इक्विप, इधर पे हम लोगों ने नीचे पे जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है मूव टूवर्ड्स और ये जो अपना यूजर ओनर की जगह स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट मेन कैमरा ऊपर वाले पे डाल देंगे एंड नॉर्मल पोजीशन जो है नीचे वाले पे इसको जीरो कर देंगे। और अब हम इसे एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो जब मैं वन दबाऊंगा गन आएगी एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है राइट नाउ, अभी तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो देख सकते हैं आप वॉक। तो ये जो अपना बंदा है ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिल रहा हो, वो इसीलिए गाइस क्योंकि मेरा जो PC है ये थोड़ा लो स्पेक्स है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी साथ में चल रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन जब आप अपने PC पे से करेंगे तो आपको काफी स्मूथ जो है आपको यहाँ पे ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी।
तो गाइज एक चीज और, जब आप मैं यहाँ पे एम कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे हमारा प्लेयर जो है ये उधर को मूव नहीं कर रहा है जहाँ पे हमारा माउस जा रहा है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा जो सोल्यूशन हमारे पास है वो यही है कि हम लोगों ने मेन कैमरा में जाना है, एक और बार हम लोगों ने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट रोटेशन यहाँ पे काफी सही रहेगा, या फिर हम इसे एमिंग रोटेशन कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने चले जाना है अपने प्लेयर पे एंड कंट्रोलर पे हम लोगों ने चले जाना है जो हमने FSM यहाँ पे बनाया है मेन, एंड जो हमारा एम है इन सबको हम लोग बंद कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने देखना है लुक एट, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, एंड एंटरप्राइज करेंगे यूजर और की जगह स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट एंड मेन कैमरा विल लुक एट एमिंग रोटेशन। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि ये है कि जो अपना ये है एमिंग रोटेशन जो है इसको हम लोगों ने थोड़ा सा जो है आगे पे लाना है, बिकॉज इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जस्ट बिल्कुल यहाँ पर जो है ये बिल्कुल और थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट, आई गेस अब ये है काफी सही है। राइट की साइड हम लोग हल्का सा राइट की साइड लेके आएंगे, तो वैसे एक जो हमसे मिस्टेक हुई है वो दोबारा से हमने एडिट पे आ जाना है, यहाँ पे हमने इस वाली स्टेट में आना है, और यहाँ पर जो है ना इसको यूज एन ओरर रखेंगे और यहाँ पे एमिंग रोटेशन पे इसका टारगेट रखेंगे। एंड अब जो हम इसे एक बार ट्राई करके देखेंगे, तो वैसे जब हमने वन प्रेस किया एंड जब मैं राइट क्लिक, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है लग रहा है। अभी भी जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो प्रॉब्लम अभी ये आ रही है कि प्रॉब्लम तो वैसे आ रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो गन हाथों के बीच से गन घुस रही है तो आप इसको बिल्कुल भी वो मत करिए, देखिए मत, क्योंकि मैंने ऐसी अलाइन कर दिया है बस। तो ये जो अपना एमिंग रोटेशन है इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, हल्का सा नीचे। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे जहां पे सबसे बढ़िया रहेगा वहीं पर इसको रखने वाले हैं। जस्ट पॉज करेंगे एक बार एंड इसको थोड़ा सही से रखते हैं 1 मिनट। अब हम लोग इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। पहले तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब जो है यहाँ पे काफी सही जो है लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप लोग देख चुके हैं हम लोगों ने ये भी बना दिया है। तो भाई इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने प्लेयर पे आप लोगों ने चले जाना है, यहाँ पे अपने मिक्सामो हिप्स में आप लोगों ने चले जाना है, स्पाइन में आप लोगों ने चले जाना है, एंड जस्ट सीन विंडो में हम लोग आ जाते हैं एक बार। एंड जब हम लोग इसको यहाँ पे से रोटेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये पर तो ये थैंक यू कर रहा है, तो यहाँ पे आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जो अभी अभी जो अभी हम जब प्ले करेंगे इसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। तो यार जब हम लोग ऊपर नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर नीचे नहीं देख रहा है, बाकी ये तो हर जगह देख रहा है, खैर बस ये एक प्रॉब्लम हो रही है, ये ऊपर नीचे नहीं देख रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए अब हम लोग यही करेंगे कि ये जो है इसको अब हम लोग यहाँ से इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने यहाँ प्लेयर FSM पे चले जाना है, एडिट पर हम लोगों ने चले जाना है,
एंड यहाँ पे एम पे आना है, जस्ट इसको हम लोगों ने ऑफ कर देना है यहाँ से, एंड इसको कॉपी पेस्ट एंड इसको ऑन करना है यहाँ से, एंड स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट, एंड जो स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट है वो है अपना स्पाइन, तो इसको यहाँ पे हम लोग ड्रैग कर देंगे एंड की वर्टिकल को ऑफ कर देंगे इस बार, एंड अब हम इसे एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो जब हम वन प्रेस करेंगे तो गाइस अब आप लोग देखेंगे ये भी ऊपर नीचे देख रहा है, तो काफी जो है ये सही लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफी जो है ये सही यहाँ पे लग रहा है आप देख सकते हैं। तो गाइज आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही था, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आई गेस हम लोग सीखेंगे एमिंग करते हुए वॉक, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और बने रहिए इस चैनल पर, काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, और आई गेस अब मैं थोड़ा जल्दी अपलोड कर पाऊँ वीडियोस, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा गाइस मेरी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इसी के साथ यार मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, करते रहो प्रैक्टिस, खेलते रहो यार यूनिटी के साथ, कोई मतलब इतना कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं होगा आपका, यूनिटी के साथ आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, एंड एक दिन आएगा गाइस, जरूर आएगा जब आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अगेन यार मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक गुड बाय, जय हिंद एंड स्टे सेफ।